हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो आज हम मैच कराने जा रहे हैं द सील्ड वर्सेस द ब्लड लाइन, जो कि मैं ये वाली ब्लड लाइन को मानता नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने रॉक को रखा है क्योंकि भाई रूमर्स तो यही आ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है इस समय सोलो सिकोवा जो भी ट्राइबल चीफ बनने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है भाई रॉक का है। आप लोग को क्या लगता है भाई, कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिएगा। तो चलती चल तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ चच चच बोल रहा था, लेकिन सॉरी कोई बात नहीं, मुझसे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि तो मैं नया नया वॉइस पर शुरू किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर द ओजी सील्ड वर्सेस द ब्लड लाइन। आप लोग को क्या लगता है, प्रेडिक्ट करके आप बता सकते हैं कि भाई कौन टीम जीतेगी। मैं अपनी राय दूँ तो भाई मैं अपनी राय लास्ट में ही दूंगा, क्योंकि मुझे प्रेडिक्ट जब भी करता हूँ तो भाई मैच ख़राब हो जाता है। चलिए देखते हैं भाई, डीन एम्ब्रोस वर्सेज जेकब फाटू, जो कि खतरनाक वाले जेकब फाटू है भाई। डीन ने अपना एक डर्टी डीन लगा दिया है, और इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला भाई। जेकब फाटू का सुपर फिनिशर है, सोलो के पास है, रोमन के पास है। द रॉक की एंट्री क्यों बंद हो गई यार, पहले ही बार में बंद हो गई। आप लोग देख सकते हैं साइड में भाई खट्टम का निशान बन चुका है, यानी कि भाई डबल फिनिशर बैक टू बैक लगा दिया है डीन ने। भाई नॉकआउट मैंने ऑन नहीं रखा है, तो भाई अगर पिनफॉल के साथ ही भाई एलिमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा पिन। मैं थोड़ा यहाँ अटक गया, कोई बात नहीं। यहाँ भाई डीन एम्ब्रोस काफ़ी ज़्यादा सही खेल रहे हैं, लेकिन भाई क्या पता अभी स्टार्टिंग में थोड़ा भाई प्लस पॉइंट रहता है डब्ल्यू डब्ल्यू की गेम में। मैंने नोटिस किया है खासकर ये नए गेम्स में, कि भाई स्टार्टिंग में अगर तुमने पॉइंट पा लिया तो भाई वो भाई लगातार फिनिशर पे फिनिशर लगा दिया। ये भी इनका फिनिशर ही है, बैक टू बैक भाई तीन फिनिशर लगा दिया है डीन एम्ब्रोस ने। कह सकते हो कि भाई सुपर फिनिशर लगा दिया है, जो कि इनके पास था नहीं, लेकिन भाई तीन फिनिशर बैक टू बैक लगाना भाई एडिट रिवर्स नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। अपनी ओजी सील्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये वाली से, तो खैर मैं कहूँगा कि ख़तरनाक ही है ये वाली। थोड़ी सोलो सिकोवा है ना बीच में भाई, अगर जेकब फाटू और द रॉक होते तो भाई एक बार, या बीच में कोई और होता तो एक बार सही रहा। सोलो सिकोवा है तो बीच में भाई पूरी टीम की धज्जियाँ उड़ी हुई है, कितना भी अच्छा हो भाई पेली जाता है लास्ट में। भाई डीन कुछ भी करना, लेकिन रॉक के पास रॉक बॉटम में, जो कि बहुत जल्दी लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो खैर मुक्का ही मारेंगे, लेकिन मैं कहूँ तो भाई सेठ रोलिंस को टैग दे दे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि तो डीन भाई यहाँ रॉक थोड़े ज़्यादा खतरनाक आदमी है। रॉक थोड़े खतरनाक है, मैं भाई डीन के सामने तो खैर खतरनाक है ही, लेकिन कहा नहीं जाता। कभी कभी जॉन मॉक्सली होते तो भाई डीन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आदमी है भाई। बैक टू बैक तो चार फिनिशर लगा दिया है बिना रुके वो भी। ओ भाई किसने आगे बचाया है, वो जेकब फाटू ने आगे बचाया, मतलब पुरानी का बदला ले रहे हैं। इतना पुराने जो फिनिशर लगा था ना उसी का आगे बदला। भाई डबल टीम अप करना ज़्यादा सही रहेगा डीन। तो भाई डीन टैग देने जा रहे हैं, सेठ रोलिंस को ही टैग देना, ये चीज़ ना करना, ये भी सही है भाई। ये पुराने भाई पुराने गेम्स की याद आ गई, ये वाले जो डीन एम्ब्रोस इनके पास येलो मूव है, जॉन मॉक्सली के पास येलो मूव नहीं है। मैंने नोटिस किया भाई, अपने बिग डॉग आ गए हैं भाई ओजी सील्ड वाले। भाई अगर ये वाले रोमन को डाला था तो भाई डीन को भी, और डीन और टेट को भी डाल देते ये वाले टाइम में भाई, कितना मज़ा आती है। क्योंकि 90 में है वैसे सील्ड वाला मोमेंट। भाई स्पेशल रिवर्स कर दिया है भाई द रॉक पुराने ये वाले रॉक का, वो मैंने ओवरऑल नोटिस नहीं किया वैसे भाई। ओ भाई होगा कि नहीं होगा, जहाँ तक हो नहीं बचाओ, यही काम। मैं थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि मुझे इस गेम को मैंने इतना ज़्यादा खेला कि भाई मुझे पता है कब क्या होने वाला है। तभी मैं शांत हो गया था कि भाई देखता हूँ होता क्या, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भाई थोड़ा सा ये डीन एम्ब्रोस थोड़ा स्लो आए, नहीं तो भाई बचा लेते, वैसे रोमन को बचा सकते थे भाई। ये वो थोड़ा ग्लिच हुआ है यार, एक फिनिशर में भाई रोमन द बिग डॉग रोमन चले गए। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, सभी से होता है। जैसे यहाँ पर सेठ रोलिंस हुआ है, स्टॉर्म लगाने जा रहे थे लेकिन भाई थोड़ा फ्रीज हो गए कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। ये अपडेट जब से ये अपडेट आया तो भाई सबसे अच्छा अपडेट मुझे लगा है 1.05 तक का, जो तीसरा या चौथा अपडेट सीएम पंक वाला अपडेट के। तब तक भाई ज़्यादा ग्लिच नहीं थे, करेक्टर ही ग्लिच करते थे, लेकिन भाई इस तरीके के ग्लिच नहीं हुआ करते थे कि एक बार में चले जाएं। हाँ भाई 100 मैच में एक दो चले जाते थे जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, लेकिन भाई अब तो हर दूसरे या तीसरे मैच में तुम्हें हर मैच में एक ग्लिच देखने को मिल जाएगा। भाई सेठ रोली ने एक स्टॉर्म लगा दिया, लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लगता नहीं होगा। चलो 2-on-2 मैच हो गया है, एक 2-on-2 मैच हो गया यार। अब सबसे ज़्यादा भाई सेठ रोलिंस से मुझे उम्मीद है। भाई डीन एम्ब्रोस भी अच्छा खेल रहे हैं भाई, बॉडी देखो एक भी बॉडी डैमेज नहीं है। सेठ रोलिंस सही समय है रिवर्स करने का, जहाँ तक हार्ट भाई जेकब फाटू हाथ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं वैसे।
अगली बार देंगे तो भाई ओ बच गए। फिनिशर देने जा रहे हैं क्या? अच्छा टॉन्ट मार रहे हैं, देखो फॉर्टी स्टाइल मार रहे हैं भाई। फिर ट्रोली सही टाइम है डीन को टैग देने का, लेकिन कोई बात नहीं। जेकब फॉर्टी के पास सुपर फिनिशर, तो भाई यहाँ से गिरा के वो डायरेक्ट लगाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। देखो जैसा मैंने कहा नहीं लगा रहे हैं, चलो अच्छा है कि नहीं लगा रहे हैं, ये सही है। ये वाला चीज़ सही हुआ जो भी हुआ अभी। भाई डबल टीम अप कर लो और सेट काफ़ी ज़्यादा मार तो नहीं खाए वैसे, लेकिन भाई यही चीज़ मैं कह रहा था भाई कि सिग्नेचर लगा दिया। चलो एक चीज़ तो सही किया, सिग्नेचर लगा दिया। अच्छा है कि फिनिशर नहीं लगाया भाई। नहीं 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 नो, गेम के ऊपर भरोसा नहीं है मुझे। सेट रोलिंग चले जाते तो भाई अपना पूरा मैच हम लोग हारने की उम्मीद थे। सोलो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोलो कहाँ गए यार? कैमरा एंगल केवल इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे सोलो का डब्ल्यू डब्ल्यू में नाम ही नहीं है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू 2K24 भी बता रहा है कि भाई सोलो का कोई इज्जत नहीं है, केवल समझ लो कि गेम में होकर भी गेम में नहीं है। भाई जेकब फाटू यहाँ थोड़े सिग्नेचर लगा दिया सेट रोलिन ने, लेकिन अंदर लगाते तो भाई थोड़ा ज़्यादा सही रहता। सेट के पास अभी तीन तीन फिनिशर हैं, क्योंकि तो सेट अगर लगाएंगे तो भाई ज़्यादा स्टॉम्प बाहर लगा रहे हैं यार, कोई मतलब अच्छा है कि भाई लगा नहीं, अंदर जाके लगाया तो ज़्यादा सही है। अंदर अंदर चलो सही है भाई। बीच में यहाँ डीन खड़े, नहीं ज़्यादा देर नहीं, और ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा देर नहीं सेट रोलिन। ये देखो मैं कह रहा ज़्यादा देर करेंगे तो भाई यही होगा। भाई एक बार भी थोड़ी सोलो की शक्ल दिखा, सुपर फिनिशर लगा दिया भाई तब मिसा ने। मुझे नहीं लग रहा कि वैसे होगा, नहीं ना हो जाएगा यार, ये नॉर्मल टैग टीम मैच है भाई। बचाया है कि ओ भाई टाइम आउट हो गया, कोई बात दो भाई। स्ट्रेट सोलो के पास तीन तीन फिनिशर है, वो भी सुपर फिनिशर लगाएंगे तो भाई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। एक फिनिशर छीनना पड़ेगा डीन, नहीं तो भाई कांड हो जाएगा अपने साथ। नहीं नहीं इससे डीन डीन डीन, अरे यार इसमें बात यह है कि सुपर फिनिशर के बाद रेजिलेंसी भी यूज नहीं कर सकते ना। पहले स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाया, ओ भाई मैंने कहा था रेजिलेंसी थी भाई, यूज नहीं कर सकें। यही होता है भाई सुपर फिनिशर, अगली बार से मैं दो ही दो फिनिशर दूंगा। मैंने सोलो सीखो थोड़े स्टार्टिंग में, यही इनके पास एक एडवांटेज रहता है सुपर फिनिशर का। चलिए मिलते हैं अगले मैच में।